हाउ टू सेट अप अमेज़न पे यूपीआई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टिकराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अमेज़न ऐप पर अमेज़न पे यूपीआई आईडी जो है वो कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, एकदम ही आसान भाषा में। वीडियो के अंत तक आपका भी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पे अमेज़न ऐप खोलते हैं, यहाँ पे हमें सेंड मनी स्कैन पे बिल्स ऑफर मोर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों ये अकाउंट यूपीआई अकाउंट क्रिएट करने के बाद में क्या होता है कि आप यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट, यहाँ पे फूड ऑफर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, टीवी रिचार्ज और मोबाइल पोस्टपेड और भी काफ़ी कुछ मनी ट्रांसफर वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए आपको अमेज़न यूपीआई गेट स्टार्टेड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जो है बताया जाता है कि SMS विल बी सेंड टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अभी दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जो है, जिस मोबाइल से आप जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं UPI, उसमें आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे UPI जो है वो आपका मोबाइल नंबर डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली और वेरीफाइड हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है, तो आपको मोबाइल में अपना नंबर भरना होगा, एक्टिवेट रहना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है। अभी ये मोबाइल नंबर में आपका कौन सा बैंक आपका एक्टिवेट है, कौन सा बैंक में आपने ये मोबाइल नंबर दे के रखा है, आपका बैंक जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा एक्सिस बैंक है तो मैंने एक्सिस बैंक दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा सारा कुछ वेरीफाइड हो चुका है। यू ऑलरेडी हैव ए UPI पिन फॉर दिस सेलेक्टेड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड टू अमेज़न UPI। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा लिंक्ड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा योर UPI ID इज़ मेरा मोबाइल नंबर @APL। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू शॉपिंग करना है। तो कंटिन्यू शॉपिंग करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरा UPI ID जो है यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हो योर अमेज़न UPI ID इज़ मेरा मोबाइल नंबर और @APL ये बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो है आसानी के साथ अपना यहाँ पे UPI क्रिएट कर सकते हो। यदि आपका खुद का करना चाहते हो क्रिएट UPI, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू UPI ID करके यहाँ पे आप नाम भर के अपना हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना UPI ID बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।